सो हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि MIUI 9.5.9.0 है। अब ये बेसिकली Redmi Note 4, Redmi 4, Redmi 3S और Redmi 3S Prime। अब Redmi 3S और Redmi 3S Prime में पहले ही अपडेट आ चुका था, अब लेकिन आज जो है Redmi Note 4 और Redmi 4 में आ गया है। सो चलिए इसके फीचर्स के बारे में अब जानेंगे और यहाँ पर क्या हुआ है अपडेट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए मैं अपनी सेटिंग जो है ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं अबाउट फ़ोन में चला जाता हूँ और यहाँ पर सिस्टम अपडेट में मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपडेट कर लिया है MIUI 9.5.9.0 स्टेबल का। जो है अपडेट आया था 47 MB का था, कम MB का था बहुत। और यहाँ पर देख सकते हो आप थ्री डॉट्स पर अगर क्लिक करोगे, यहाँ पर व्हाट्स न्यू पर देखोगे तो यहाँ पर तीन जो है बग्स फिक्स हुए हैं। पहला जो बग्स है, डिवाइस डिसकनेक्ट फ्रॉम मोबाइल नेटवर्क ड्यूरिंग कॉल। जब आप कॉल्स पे कॉल करते हो तो यहाँ पर अपने आप मोबाइल नेटवर्क जो है डिसकनेक्ट हो जाता है, उस बग्स को जो है फिक्स कर दिया गया है। और जो सेकंड बग्स है वो है, नोटिफिकेशन सेटिंग डिडंट वर्क फॉर डुअल ऐप्स। अगर आप किसी ऐप का डुअल ऐप बनाते हो तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। जैसे मैंने व्हाट्सअप का डुअल ऐप बनाया दूसरा ऐप, तो उसमें नोटिफिकेशन मतलब मैसेज नहीं आते थे, लेकिन अब वो बग्स जो है फिक्स कर दिया गया है। उसके जो बाद बग्स है वो है कॉन्टैक्ट बेस्ड यूज़ एंड फीडबैक। अब इसमें आप फीडबैक भी दे सकते हो, ये बग्स फिक्स हुआ है। तो ये तीन जो बग्स हैं वो फिक्स हो गए हैं और देखते हैं इसमें क्या फीचर्स, नए फीचर्स आते हैं। तो आप अपनी आप सेटिंग्स में चले जाइए। तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप जाएंगे डाटा यूजेज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा यूजेज। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सा ऐप आपकी कितनी जो है मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी कितनी डेटा जो है यूज़ कर रहा है, कौन कौन सा ऐप। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अब इसमें देख सकते हो डाटा यूजेज में। तो ये फीचर्स मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आपका फ्रंट में ही डाटा यूजेज का जो है ऑप्शन मिलने देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा ऐप जो है यूज़ कर रहा है आपका कितना डाटा। और उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जाना है बैटरी में। तो यहाँ पर आपको बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे स्मार्ट सेंसेस में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको अनेबल कर देते हो इस फीचर्स को, तो अगर आपके फ़ोन को लगेगा कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर आपका जो है GPS, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा, वाईफाई आप ये ऑन होंगे तो सारे फीचर जो है ऑफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर GPS, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा सारे ऑफ हो जाएंगे अगर आप इसे स्लीप मोड को अनेबल करते हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं डिसेबल कर देता हूँ। जो ये फीचर्स थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे और इस अपडेट में कुछ बड़ा अपडेट नहीं है, ये छोटा मोटा अपडेट है 9.5.9.0 स्टेबल का। सो यही दो फीचर्स के और यहाँ पर जो तीन बग्स हैं वो फिक्स हुए हैं। तो देखते हैं आगे कौन से अपडेट आते हैं। और मैं अभी Redmi Note 4 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे में अपडेट आ गया है। आप भी चेक करिए, आपके में भी अपडेट आ गया होगा तो आप भी अपडेट कर लीजिए और यहाँ पर फीचर्स देख लीजिए। इसके काफ़ी अच्छे दो फीचर्स मुझे अच्छे लगे और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब आगे देखते हैं कौन सा अपडेट जो है देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।